शेंगची की टेन रिंग्स को कैंग द कॉन्करर ने बनाया है, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसके पीछे दो सॉलिड रीजंस हैं, और वो एंटमैन 3 का ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में आए हैं। तो रीजन नंबर 1 ये है कि एंटमैन के ट्रेलर में हमें एक सिटी दिखाई गई है क्वांटम रियल्म के अंदर, जिसमें तुम्हें शेंगची की 10 रिंग्स जैसी ही बड़ी बड़ी रिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसमें ऑलमोस्ट वैसे ही सिंबल बने हुए हैं जैसे शेंगची की 10 रिंग्स में देखने को मिलते हैं। और रीजन नंबर 2 ये है कि ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि स्कॉट की फैमिली की सारी प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब कैसी क्वांटम रियल्म के अंदर किसी तरीके का सिग्नल भेजती है, और वहां पे कोई गड़बड़ी होती है और वो सारे के सारे क्वांटम रियल्म के अंदर खींच लिए जाते हैं। और अगर तुमने शेंगची मूवी का पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन देखा है तो तुम्हें बिल्कुल पता होगा कि शेंगची की 10 रिंग्स भी किसी तरीके के माइक्रो सिग्नल्स भेज रही थी, और वहीं पे कैप्टन मार्वल ये कंफर्म करती है कि ये सिग्नल किसी भी तरीके से स्पेस में तो नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो सिग्नल क्वांटम रियल्म के अंदर जा रहे हैं, और किसको पता कि वो कैंग के पास जा रहे हो।